अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने जेएनयू मामले को पीड़ादायी बताया। उन्होंने कहा कि कल फारूक अब्दुल्ला का बयान भी सुना है, यह टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य फिर से माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, फ्री में शिक्षा मिलने का गलत फायदा उठा रहे हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने बताया कि फिल्मों की परमिशन के लिए गृह विभाग ने गाइडलाइन तैयार कर ली है जिसे जल्दी लागू किया जाएगा। शूटिंग के पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। तो वहीं कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए बोले कि गुलाब नबी की अपनी पीड़ा है, कपिल सिब्बल की भी पीड़ा है, चाचा जान की कोई सुन ही नहीं रहा है। पंचायत चुनाव पर कांग्रेस को घेरते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस दोमुंही राजनीति करती है, चोर से कहते हैं चोरी करो और साहूकार से कहते हैं जागते रहो। विवेक तनखा हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा अलग अलग बात कर रहे हैं। और इसी के साथ कोविड पर भी उन्होंने चर्चा की, आइए आपको सुनाते हैं। हमने गृह विभाग ने इसकी गाइडलाइन तैयार कर ली है। ये जो बाहर के शूटिंग करने वाले टीटी वाले आ जाते हैं और दूसरे शूटिंग वाले आते हैं, इस पर हमने गाइडलाइन तैयार कर दी है, जल्दी जारी करने वाले हैं। जैसा मैंने पूर्व में लाइन इसकी नीति बनाने का कहा था, अब प्रदेश के अंदर जो भी बाहर से ये शूटिंग करने आएंगे वो स्थानीय स्तर पर कलेक्टर महोदय से अनुमति लेंगे और उसके बाद में उसकी शूटिंग करेंगे। मैंने भी सुने, वो पीड़ादायी हैं, ये देश विरोधी क्रोनोलॉजी है। दरअसल कल आपने फारूक अब्दुल्ला जी का बयान पढ़ा होगा, परसों सुना होगा। इसके पहले सलमान खुर्शीद जी, राशिद अलवी जी, इनके विवादित बोल भी, विवादित लिखना भी आप देख चुके होंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग फिर से देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देश विरोधी वामपंथी विचारधारा का ये अड्डा बन गया है जेएनयू। सरकार की जनता की गाड़ी कमाई पर, मुफ्त की पढ़ाई जो वहां पर हो रही है, ये उसका परिणाम है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है राम जन्मभूमि पर, उसके बाद ये नारे लगते हैं। कभी सेना पर नारे लगते हैं, कभी देश के टुकड़े पर नारे लगते हैं। ये कभी आपने देखा, अभी पाकिस्तान के अंदर प्रियंता की 90% हड्डियां तोड़ दी, पर ये जेएनयू वाले कभी बोले? ये चीन का स्वागत करते हैं। ये जो कम्युनिज्म सोच है, इसका अड्डा ये जेएनयू बन गया है। गंभीरता से इस पर विचार होना चाहिए। कोरोना के क्षेत्र में हम अगर पिछले 24 घंटे देखेंगे तो 24 घंटे में 16 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के आए हैं, जबकि 13 लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर गए हैं। प्रदेश के अंदर एक्टिव केसों की संख्या 140 है, जबकि पॉजिटिविटी रेट अब 0.03% है और रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल हमारी टेस्टिंग 50,796 संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर उसके टेस्ट लिए गए हैं। संपूर्ण निगाह हमारी कोरोना पर लगी हुई है। जैसा मैंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम तीसरी लहर को ना आने दें। दो अलग अलग बात हैं जिनको आप मिला रहे हैं। एक मामला धर्मांतरण का है, एक मामला बासोदा का है। धर्मांतरण के मामले में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और हम भी कह रहे हैं कि जो विदेशी फंडिंग आती है,
जो एनजीओ इनका गलत उपयोग करते हैं, पीएफआई जैसे संगठन उपयोग गलत कर लेते हैं, इनकी हम जांच करा रहे हैं और जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।